सामने। राइट में सर भूषण सर सामने सामने सर राइट भूषण सर यहाँ पे भूषण सर राइट भूषण सर या सर आपके एकदम सामने सर थोड़ा सर है? सो मच फॉर वेटिंग सो पेशेंटली हाई एंड वेलकम टू दिस आफ्टरनून मेहू रुचि रंगीली रुचि

टिल द सिक्स ऑफ अप्रिल जब ये फिल्म हमारे सामने आएगी बट बिफोर दैट मैं बताना चाहूँगी कि इस फिल्म के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं सो गुलशन कुमार एंड रमेश देव प्रजेंट टी सीरीज इन आर डी पी मोशन पिक्चर्स फिल्म डिरेक्टेड बाय अभिनय देव प्रोड्यूस बाय भूषण कुमार कृष्णन कुमार अभिनय देव एंड अपूर्वा सेन गुप्ता द फिल्म स्टार्ज इरफान खान कीर्ति कुल्हारी दिव्या दत्ता अरुणोदय सिंह प्रदुमन सिंह अनुजा साठे एंड ओमी वैद्य जोरदार तालियां हो जाए फॉर द कास्ट एंड द क्रू अब आज हम आए हैं यहाँ पर एक स्पेशल सॉन्ग के लॉन्च के लिए यू नो हम लोग कितने भी अच्छे कितने भी साफ क्यों ना हो जाए लेकिन आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैड दिस सम डे इन आर लाइफ जब हमने कहा है कि इसका बदला तो मैं लेकर के रहूंगी सो so, um, ऐसा ही कुछ है द फर्स्ट एवर रिवेंज रैप ऑफ बॉलीवुड ये गाना जो है आज हम लॉन्च कर रहे हैं एंड द सॉन्ग इज कॉल्ड बदला म्यूजिक इज बाय अमित त्रिवेदी संग बाय अमित त्रिवेदी एंड डिवाइन रिटन बाय अमिताभ भट्टाचार्य रैप लिरिक्स बाय डिवाइन एंड धवल परब दिस इज द थीम सॉन्ग ऑफ द फिल्म और इसके अनवीलिंग के लिए मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ बट हम आपको ये गाना दिखाएंगे उसके पहले ट्रेलर की एक छोटी सी झलक एंड एज अ बोनस बिकॉज यू गाइज वॉज सो पेशेंट कुछ डायलॉग प्रोमोज भी हैं जो कि हम चाहते हैं कि आप देखें जोरदार तालिया हो जाए वाइल द बैकड्रॉप ड्रॉप राइट आई थिंक इट विज इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग एंड इंट्रीगिंग इज इंट इट अगर ऐसा था तो एक और बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आई थिंक और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है टू वेट sixth of अप्रैल कि हमें पता चले कि आगे होता क्या है टू टॉक मोर अबाउट द फिल्म आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द कैप्टन ऑफ द शिप अभिनय Deo। कैन वी हैव यू here, प्लीज साथ में स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले राइटर परवेज शेख कैन वी हैव यू ऑल्सो यर प्रोड्यूसर्स मिस्टर भूषण कुमार एंड मिस्टर अपूर्वा सेन गुप्ता प्लीज कैन वी हैव यू यर थैंक यू सो मच ऑल्सो ऑबियसली इस स्टेज पर अभी मैं यहाँ पर इनके बाद में इरफान खान को जरूर बुलाती लेकिन एज वी ऑल नो कि वो ट्रीटमेंट के लिए गए हुए हैं सो वी कैन ओनली होप एंड प्रे कि जितनी जल्दी हो सके ही विल बाउंस बैक एंड ही विल कम बैक सून एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस बट उसी के साथ में मैं अभी बुलाना चाहूंगी बाकी पूरी की पूरी कास्ट को ऑन स्टेज द सुप्रीमली टैलेंटेड कीर्ति कुल्हारी द हैंडसम हंग अरुणोदय सिंह एन एक्टर पावर एक्सिलेंस दिव्या दत्ता द इनक्रेडिबल प्रधुमन सिंह द ब्रिलियंट अनुजा साठे कैन वी हैव यू ऑल ऑन स्टेज प्लीज कुछ और भी लोग हैं यस प्लीज प्लीज यार प्लीज ताली बजाइए Kuch aur bhi log jinka contribution to the film is immense, and I would like to call them on stage as well. President Marketing, Media, and Publishing, Mr. Vinod Banushali, Co-Producer Priya Gupta, and Senior VP Films, Mr. Shiv Chanana. Can we have you on stage? Wow! Thank you so much. That's the whole family blackmailing family. <laughs> I don't think we need to blackmail these people to come and watch the film. It, it, it actually is that interesting. It should come. Let's have a quick photo op before we move on to the question and answer session.

क्या कहना चाहेंगे आप सी uh, uh, काफ़ी टाइम से आप देखिए हर बार कंटेंट ही uh, लोग देखना पसंद करते हैं और आजकल uh, uh, आप फिक्शन ज़्यादा फिल्में बनाते हैं जो रियलिटी से uh, हटके होती हैं तो आपको कुछ अलग ट्राई करना पड़ता है जैसे हमने ब्लैक मेल में किया है एक uh, अलग वो चीज़ है काफ़ी लोगों ने जब ये प्रोमो देखा तो uh, ये बोला कि यार ये मतलब किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था इस तरीके से भी आप फिल्म बनाई जा सकती है सो यस एज टी सीरीज़ हमारा हमेशा यही रहता है कि हम कुछ अलग हटके दें या कुछ रियलिटी बेस्ड चीज़ करें आज रेड एक रियल uh, uh, रियल इंसान के ऊपर इनकम टैक्स रेट जो रियल रेड हुई थी उसके ऊपर हमने बनाई है और ये ब्लैकमेल इट्स वेरी मैंने फ़िल्म देखी है बहुत बहुत ज़बरदस्त फिल्म है बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है और इरफान ख़ान ने बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है अभी सर आप इतना वक्त क्यों ले लेते हैं अभी भी हम पढ़ रहे थे कि फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ डेली बेली नहीं नहीं इससे काफ़ी फिल्में की हैं बीच फिल्में आ, बट एक आपके सवाल का जवाब एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मुझे लगता है कि ज, जब कोई समय लेके अच्छे से आ, प्यार से जब फिल्म बनाता है तब मेरे ख्याल से आ, ऐसी फिल्म बनती है आ, तो मेरे ख्याल से टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कितना समय लिया है क्या बनाया है आई थिंक दैट इज़ वॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट शुड बी एंड आई लव टू टेक माई टाइम टू मेक माई फिल्म बट फिर भी डेली um, बेली से लेके अब तक काफ़ी कुछ ट्वेंटी फोर यू नो फोर्स टू बहुत सारी यू uh, नो you know, बड़ी प्रोजेक्ट्स हुई हैं लेकिन आई कैन ओपनली से दैट दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट वर्क एंड दिव्या ब्लैक मेल की बात हो रही है आप कभी घर में ब्लैकमेल करती थी किसी को किसी Emotional चीज़ को ब्लैक ब्लैकमेल तो हर वक्त चलता है ना तो वो तो होना भी चाहिए आई थिंक दैट्स लाइफ यहां पर खैर इस फिल्म में वो नहीं हो रहा इट्स टोटली टोटली ऑपोजिट एंड आई थिंक द रीजन एंजॉयड डूइंग दिस फिल्म इज बहुत कम होता है कि एक्टर्स को आप uh, उन, उन रोल्स के लिए जिन्हें आप पसंद किए जाते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ कुछ दिया जाए सो आई थिंक आई आई रियली थैंकफुल टू अभिनय फॉर सीइंग मी वेरी डिफरेंटली

क्योंकि इतना मजा आया मुझे ऐसे किरदार प्ले करने का लेकिन सबको सबको ब्लैकमेल करते हैं कहीं ना कहीं तो कुछ निकल आता है प्रद्युमन अगर आप ब्लैकमेल किसी को करें तो क्या चाहेंगे या तो पैसों की ऑस्कर पैसे? पैसे तो चाहूंगा, चाहूंगा अगर ब्लैकमेल करके प्लैक मिल, प्लैक करके प्लैक करके प्लैक मिल प्लैक सके मतलब। <laughs> सीरा मतलब। उसके लिए नहीं है ऑस्कर नहीं मिलने वाला आर्वी वाइन्स

पिच वी आर डूंगा हाई अभिनव जी uh, आपने काफ़ी सारी फिल्में की हैं लेकिन एक ब्लैक कॉमेडी के साथ आपका जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है डेली बेली हमने देखा और आउटस्टैंडिंग थी वो फिल्म और अब ब्लैक मेल तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ब्लैक कॉमेडी पे काम करना और उस पर फिल्म बनाना बट क्योंकि बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो उसको हाथ लगाते हैं uh, वो तो पता नहीं कि कितने लोग उसमें हाथ डालते हैं नहीं डालते लेकिन मैं तो uh, मेरे ख्याल से ब्लैक कॉमेडी या कोकी कॉमेडी एक डार्क ह्यूमर जो होता है वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है एक्चुअली हम बस उसको फिल्मों में नहीं देखते या अब तक नहीं देखा है अगर हम अगर हम अपनी लाइफ में झांके या हमारे नेबर्स की लाइफ में झांके तो डार्क कॉमेडी ही चल रही है हर जगह पे टू बी वेरी ऑनेस्ट तो आई थिंक uh, ये समय आ चुका है कि हम उसको uh, लोगों के सामने लाएँ uh, उसको इस तरी से, तरीके से लोगों के सामने रखें कि वो एंटरटेन भी हों ऐसा नहीं है कि डार्क का मतलब यही हो कि भाई एकदम कुछ बहुत ही गंभीर मामला हो रहा है वैसा नहीं है डार्क कॉमेडी का ये मतलब होता है कि जो जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते लाइफ में ये जैसे कि हो रहा है एक्चुअली ऑनेस्टली रियलिटी इज चेंजर देन फिक्शन एंड दैट इज़ सो ट्रू क्योंकि जो रियलिटी में हो रहा है हमारे अगर हम पेपर पर सिर्फ खोल के देखें रोज़ का तो हमें दिखता है कि पॉलिटिक्स लीजिए या लाइफ लीजिए या तो आम यू नो आदमी की लाइफ लीजिए बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते तो मेरे ख्याल से वो uh, कोशिश कर रहे हैं हम एक एंटरटेनिंग वे से आपके सामने लाने के लिए हेलो सॉरी

तो सारे कैरेक्टर्स हटके थे सारे कैरेक्टर्स एक कुछ कंप्लीटली अजीब चीज़ कर रहे थे इस फिल्म के अंदर एंड मेरे ख्याल से जब हमने कास्टिंग की प्रोसेस शुरू की तब uh, ऐसे नाम मेरे सामने मतलब जो जो चेहरा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते ही चेहरे आने लगते हैं सामने एंड uh, जो चेहरे आ, आते गए हम उनको कास्ट करते गए और यू uh, नो you know, बहुत आई एम थैंकफुल टू द होल कास्ट हियर दैट एक आदमी ने भी और एक कास्ट uh, मेंबर uh, ने भी कभी ऐसा नहीं बोला कि ये पता नहीं शायद नहीं आई डोंट नो सब ने स्क्रिप्ट पढ़ते ही एक सेकंड के अंदर हा कह दी एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट अ गुड स्क्रिप्ट कि एक्टर पढ़ते ही बोलता है यार ये तो पागलगिरी हो रही है यहाँ पे ये तो, तो करना पड़ेगा हेलो हाय माय माय क्वेश्चन इज फॉर बोथ अभिनय सर एंड भूषण सर द बदला सॉन्ग एक्सटेंसिवली फीचर्स इरफान सर So uh, without his physical presence, how are you going ahead with the song launch and the promotions ahead which you'll be seeing? Sorry, I missed the middle portion. So but like without his physical presence, how are you going? Without drive? his physical presence. Yes, how are you guys going ahead with the promotion game and the song launch? And all? See, um, as, as Bhushan sir has already said, that uh, we all know that uh, he is right now uh, undergoing treatment and he's away for that. So I think when I met him, um, basically what uh, i came to know was that he's extremely happy with the song, the promotions, the film, and wanted the film to be you know, promoted and yes. released the best way possible. so that's exactly what we are here to do, which is standing on the stage and hoping that uh, on 6th of april that we release, he will be with us to see the film in the same josh that uh, we are here. so, hamilok kare, joe, film um, kiliya the or and un kiliya hi. Um, are you all in touch with Irfan? How is he now? What's uh I? Uh, I just said that actually um, I met him and uh, he's fine. He's in good spirit. Um, there is, of course, we know that he's not well. So uh, I think uh, he is right now uh, away for uh, his treatment. Or uh, we should we should respect the family and their privacy on this particular matter. Or when they are ready, it's you know Hamari share to share with us.

अत्याचार होता है उनको बढ़ावा हाँ नहीं दिया जाता इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं तो ये एक हिंदी वर्जन है तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं जो पिछले पैंतालीस वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे द ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हाँ हाँ जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनका सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर डॉ सोल्यूशन